तुमने ऋषि पर हाथ क्यों उठाया? तुमने सिर्फ मेरा थप्पड़ देखा, लेकिन तुम्हारा भाई जो कह रहा था वो नहीं सुना। आज आज उसकी वजह से मैं देखा बीबी, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। आज उसकी वजह से मैं माँ बनने वाली है। What? ऋषि, what is the truth? बीबी मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कशिश जी को भी यही समझा रहा था कि इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। कशिश, तुम्हें कैसे मालूम कि ऋषि ही? प्लीज सुजल, मुझे कैसे मालूम? मैंने कई बार महक और ऋषि को साथ देखा है। मैंने महक को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस मैं नाकामयाब रही। इससे पहले कि मैं महक को रोक पाती, वो बहुत आगे निकल चुकी थी सुजल। और आज इसी शर्मिंदगी की वजह से आज उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। देखो कशिश, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि ऋषि ही उस बच्चे का बाप? कोई भी लड़की ये कैसे साबित कर सकती है? और कोई भी लड़का अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकता है? Will you shut up, ऋषि? तुम फिक्र मत करो कशिश, इस मामले की तह तक पहुंचने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम घर जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं। आओ कशिश, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा चलो। कशिश, मैं क्या? कुछ नहीं। कशिश, अगर महक की हालत के लिए ऋषि जिम्मेदार है तो ऋषि को उसकी सजा जरूर मिलेगी। जस्ट ट्रस्ट मी। पहले तुमने मेरी हर उम्मीद को अपने अहम से कुचल डाला, और अब जब मैं तुमसे ना उम्मीद हो चुकी हूँ, तो तुमने दोबारा मेरे मन में उम्मीद का दिया जला दिया। हेलो महक, कैसी हो तुम? ऋषि, महक तुम बिल्कुल पगली हो। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी मेरे प्यार के बारे में नहीं सोचा। मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी तुम? क्यों किया तुमने ये सब? मुझे माफ कर दो ऋषि, लेकिन मैं मजबूर थी। प्लीज रो मत महक, आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन ऋषि, कशिश थी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया, और तुम्हें तो पता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। हाँ मुझे पता है वो मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन आज हम ऐसा कदम उठाएंगे जिसके बाद उसका नजरिया बदल जाएगा। महक, आज रात हम भागकर शादी करेंगे, और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। लेकिन ऋषि, ना मत कहना। तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपने प्यार की सच्चाई साबित नहीं कर पाऊंगा। आज रात ठीक 10 बजे इंडियन कॉफी हाउस के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओगी ना? ऋषि, हमारे घर वाले। महक, एक बार हम शादी कर ले फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। महक, आज हमारे प्यार का इम्तिहान है, मुझे मायूस मत करना। बाय। ऋषि, you are too good.
दीदी आप आ गई, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं मन नहीं है, लेकिन तुम यहाँ? वो डैड का फोन आया था, उन्हें आने में देरी होने वाली है और आप भी नहीं आई थी, तो मैं घर पे अकेले अकेले बहुत बोर हो गई, तो सोचा आज रात का खाना मैं ही बना लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जी दी। महक आज कुछ बदली बदली सी लग रही है, सुबह तो कितनी उदास थी और अभी खाना बनाते वक्त कैसे मुस्कुरा रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो महक पूरी तरह बदल गई? जहांगीर मैदान। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऑटो। बस भैया ये लो। ऋषि की गाड़ी। महक ऋषि के साथ कहाँ जा रही है? महक महक अच्छा हुआ ऋषि कि घर से निकलते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। अरे सब पता चल जाएगा भाई, गाड़ी भी रोक देंगे। गाड़ी रोक देंगे तो मैं कूद जाऊंगी। ऐसी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे तुम फिक्र रहो। अरे ऐसे कैसे हाथ ना लगाऊं? काशिश इतनी रात कितनी आ? क्या बात? ऋषि कहाँ है? वो महक को कहाँ लेके गया? तुम कहना क्या चाहती? आज उसने सारी हदें पार कर दी है। महक की जिंदगी बर्बाद करके उसका दिल नहीं भरा कि वो अब उसे भगा ले गया है। एक मिनट, मुझे देखने दो कि ऋषि यहाँ पर है या नहीं। अमन, ऋषि कहाँ है? मुझे नहीं पता, क्यों क्या बात है? झूठ मत बोलो, तुम और ऋषि बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऋषि महक को कहां लेकर गया है। अमन, ऋषि महक को लेकर कहां गया? भैया मैं सच में नहीं जानता ऋषि कहां है। तुम फिक्र मत करो कशिश, महक को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अगर इस बात के लिए ऋषि जिम्मेदार है then God help। Rishi, you know you're really a very naughty guy. Also, I'm your son, Dad. Sujal Kashish, kya hua? Rishi, tum ab tak kahan? Arey, Bigbi, main to papa ke saath tha. Lekin kyun? Kya hua? Are you sure ki tum kahin? Tum kahin aur nahi gaye? Bigbi, main. Now, don't be ridiculous, Sujal. ये सारी शाम क्लब में मेरे साथ में था। इनफैक्ट वी हैड अ ग्रेट टाइम, इजंट इट? Of course, Dad. क्या बात? कुछ नहीं पता। चलो काशी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किसे ढूंढना है बिग्बी? किसी को नहीं। गुड नाइट कशिश जी।
अब तक हर चीज मेरे प्लान के मुताबिक चल रही है। उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसा ही हो। जाना चाहती हो? Come on, let's have some fun. अरे यहाँ कोई भी नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। अरे बेटा कुछ तो बताओ। आंटी, आई एम प्रेग्नेंट। तुमने घर में किसी को बताया है? नहीं जानती है। लेकिन डैड नहीं जानते। तुम फिक्र मत करो, महक को हम ढूंढ लेंगे। सुजल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषि भी घर पे है तो महक किसके साथ गई होगी? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पापा से क्या कहूंगी? सुजल देखो कशिश, महक को कुछ नहीं होगा। तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, विश्वास रखो वो जहां भी होगी ठीक होगी। और फिर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इतने रात गए तुम कहां गई थी? किसके साथ थी तुम? जवाब दो मेरी बात का। I'm very sorry, Dad. मैं तुम अंदर से छोड़ दूं। मैं अंदर कैसे जाऊं? पापा को क्या जवाब दूंगी? मैं
कहाँ थी तुम? किसकी गाड़ी में गई थी तुम? बताओ महक, क्या तुम ऋषि के साथ थी? हाँ? पापा, पापा, आप अब तक सोए नहीं? जिस बाप की दो दो बेटियां इतनी रात में घर से बाहर हों, क्या उसे नींद आनी चाहिए? तुम कहां थे कशिश? महक को ढूंढने गए थे। तुम कैसे आई? वसु जी छोड़कर गई हैं कुछ देर पहले। सर, अगर उस रात आपको पापा या ऋषि की बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। गलती तो मेरी बेटी की है जिसने एक ऐसे लड़के के पीछे जान देने की कोशिश की है जो उसे प्यार करता ही नहीं है। गलती मेरी है, बहुत छूट दे रखी है मैंने अपनी बच्चियों को, तभी इतनी रात तक बिना बताए। पापा, ऋषि ने कहा था। बस, अब एक लफ्ज़ से मुझसे कहा ना तो। लेकिन पापा, महक, महक तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, इस घर की इज्जत के बारे में। तुमने कहा था ना मुझे अपने बच्चियों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वासघात किया है इसने मेरे साथ। क्या सिखाया था मैंने इसे और क्या कर रही है ये? पापा प्लीज। शायद मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई। महक, तुम कब तक ऋषि के पीछे रहोगे? घरवाले भले ही तुम्हारी बात मान लें, मैं जानती हूँ ऋषि तुमसे प्यार नहीं करता और उसने तुम्हें नहीं बुलाया था। Oh come on darling, हम कल मिलेंगे, okay? Promise. गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक दोस्त थी। अच्छा, दोस्त थी तो थी, लेकिन ऐसी कोई खास दोस्त है तुम्हारे जीवन में जिसके साथ तुम अपना जीवन बिताना चाहते हो? नहीं आंटी, मुझे आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, तो फिर तुम महक के साथ क्या कर रहे थे? जी? उसने तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है, बेचारी प्रेग्नेंट थी ना? जी वो। मैंने तुम्हारी और अमन की बातें सुन ली है और मुझे मालूम है कि तुम महक के साथ क्या करना चाहते थे। अमन मेरा बेटा है, उसने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? एक अकेली लड़की को इस तरह रात में किसी और लड़के के साथ भेजना, क्या तुमने यही संस्कार सीखे हैं? अगर महक को कुछ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? और तुमने ये सोचा है कि अगर तुम्हारे मम्मी और पापा को ये पता चले तो वो क्या सोचेंगे? प्लीज आंटी, ये बात किसी को बताना नहीं। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और महक के बीच में क्या था? तुम क्या उसे पसंद करते हो? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ कशिश से बदला लेना चाहता था। उसने मुझे बेइज्जत किया था ना, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ आंटी, और तब मैंने तय कर लिया कि मैं कशिश को बर्बाद कर दूंगा। और हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि कशिश की शादी सुजल भैया के साथ हो। और मैं चाहती हूं कि कशिश की शादी मेरे बेटे पीयूष के साथ हो। देखो ऋषि, तुम्हारे इस राज को मैं राज ही रखूंगी, लेकिन फिर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। काम? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।